हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ट्रिपल अम्ब्रेला कट कुर्ती बनाएंगे। तो ट्रिपल अम्ब्रेला कैसे कट करते हैं वो आज मैं आपको इस छोटे कपड़े पे सिखाती हूँ। हम इसे 3 लेयर में फोल्ड कर लेंगे। देखिए, इस तरह से पूरे कपड़े को 3 लेयर में मैंने फोल्ड कर लिया है। उसके बाद हम इसको डबल करेंगे। ये देखो, 1 लेयर, 2nd और 3rd, ये 3 लेयर में इस टाइप से हम कपड़े को करेंगे। और फिर उसके बाद उस 3 लेयर को डबल फोल्ड कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी 6 लेयर। 6 लेयर में सबसे पहले हम इन कॉर्नर पे अपनी वेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो वेस्ट हम जैसे 3 लेंगे 4 लेंगे तो वो सेम टू सेम नहीं रहेगा, उससे एक्स्ट्रा होता है। जैसे मैंने अभी 1 लिया है तो ये देखो 2 हो गया है। तो हम इस टाइप से मेज़र करके लेंगे। फिर हम इसका घेरा ले लेते हैं, जो भी होता है हमारा चोली को कट करने के बाद जो चोली का मेज़र होता है उसको उसमें से माइनस करने के बाद जो भी बचता है वो हम पूरा घेरे में ले लेंगे। ये देखिए, तो इस टाइप से मैं पूरा घेरे में निशान लगा लूँगी एक जैसा, और फिर इसको हम कट कर लेंगे। ये देखिए, ये कट कर लेंगे। पहले इसको वेस्ट का फैब्रिक कट कर लेंगे, और जो भी कपड़ा होता है सबसे पहले उसकी किनारी ज़रूर कट कर लीजिए, क्योंकि इसमें फिनिशिंग नहीं आती है। फिर ये देखिए, मैंने ये कट कर लिया है। अब हमें ये 3 लेयर अम्ब्रेला, 3 लेयर यानी कि ट्रिपल अम्ब्रेला कट हमें कपड़ा मिल गया है। इसमें ट्रिपल अम्ब्रेला है, ये देखिए 1, 2, 3, ये हो गया डबल अम्ब्रेला। ये देखिए, ये डबल अम्ब्रेले में पूरा घेरा आता है, ये एकदम राउंड में। ये सिंगल अम्ब्रेला है, और ये इन दोनों को मिला देंगे, डबल हो गया। लेकिन एक ट्रिपल अम्ब्रेला के लिए एक अम्ब्रेला और हमारे इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया ट्रिपल अम्ब्रेला। इसमें बहुत ज़्यादा घेरा आता है, ये देखिए एक्स्ट्रा घेरा आता है। ये देखिए 3 लेयर। अब हम फैब्रिक पे कट करेंगे। ये है लाइनिंग, पहले हम लाइनिंग कट करेंगे। लाइनिंग में वही सेम टू सेम 7 इंच मैंने आर्म होल वो शोल्डर लिया है, 7 इंच मैंने आर्म होल लिया है। और इसका वेस्ट साइज है 36, तो मैंने 9 लिया है, 36 में 9 आएगा। इसका 1/4 करेंगे तो 9 आएगा, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मैंने मार्जिन के लिए लिया है, 1.5 इंच इसमें मार्जिन आएगा। ये 36 इसकी वेस्ट है, और हमने नेक की चौड़ाई जो है वो ली है 3, और इसकी लंबाई ली है मैंने 7, क्योंकि थोड़ा ब्रॉड बना रहे हैं तो इसमें गोलाई दे देंगे। ये देखिए, ये नेक रेडी। अब हम इसकी लंबाई लेते हैं। लंबाई है वही 15 इंच प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए, तो ये हो गया 16 इंच। 16 इंच पे पूरा निशान लगा लेंगे और इसको मिला लेंगे। ये देखिए, यहाँ साइड में से हम 1 इंच डाउन करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये सिलाई में फिर ये लटकता है साइड में से, तो 1 इंच एक्स्ट्रा ऊपर से ले लेते हैं हम। अब इसकी वेस्ट है 32, तो मैंने 32 पे इसका 1/4 किया है, और फिर इस पर निशान लगा दिया, 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। अब हम डार्ट का निशान लगाएंगे 3.5 पे, 3.5 से चौड़ा यहाँ से लेंगे 10.5, 3.5 और 10.5, तो ये लगेगा यहाँ पे डार्ट। जैसे जैसे ब्रेस्ट और बढ़ती जाएगी वैसे ये निशान भी एक्स्ट्रा होता जाता है चौड़ाई इसकी। ये देखिए, हमने इसका 1/2 इंच डार्ट पे लिया है, तो हम यहाँ भी इधर भी हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे डार्ट के लिए। ठीक, अब हम इसको कट कर लेंगे। ओके, पहले हम आर्म होल की शेप देंगे। इसमें से 1/2 लिया है मैंने, 1 इंच यहाँ से लिया है गोलाई, और इसको
राउंड शेप दे दिए। अब इसे कट कर लेंगे। ये बैग का मेजरमेंट है, तो इसको ऐसे सेम टू सेम कट कर लेंगे। अभी हम नेक कट नहीं करेंगे क्योंकि ये बैक का है, तो हमें पहले ये फ्रंट का है तो हमें पहले बैक का निशान लगाना है। तो बैक का नेक मेजर करेंगे पहले। ये हम दोनों को अलग अलग कर लेंगे कपड़ों को। ये देखिए, ये फिर नेक कट कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट है। बैक का निशान हम थोड़ा सा मतलब नेक का जो थोड़ा सा 1 इंच कम लेंगे। ये 3 इंच ब्रॉड और इसमें लिया है मैंने 6.5 इंच इसकी लंबाई ली है। ये मैंने कट कर लिया है। ये है, अब हम आर्म होल की जो शेप देता है 1.5 इंच की, वो इसमें शेप दे देंगे। इससे फिटिंग अच्छी आती है। ये देखिए, ये मैंने शेप दे दिया इसमें। ये हो गया बैक और ये हो गया फ्रंट। अब हम जो लाइनिंग लगाएंगे घेरे में उसका उसको कट कर लेते हैं। फिर हम कलियों में काटेंगे इसको। तो इसका वेस्ट पे मैंने 4 इंच लिया है, दोनों साइड से 4-4 इंच करके, और मैं इसको कट कर दूँगी। अब ये भी हमारे 6 लेयर में है, थ्री लेयर में है। तो हमारी 3 लेयर 6 हो गई है, 6 लेयर हो गई है। अब ये हमारी 12 कलियाँ आ गई हैं। 6 एक साइड से आई है और 6 एक साइड से। 12 कलियों का मैंने लाइनिंग कट कर लिया है, इसको ज्वाइंट कर लेंगे। ये मैंने मेन फैब्रिक पे लाइनिंग रख ली है। अब इसका सेम टू सेम मेजर कर लेंगे, निशान लगा लेंगे इस पे। ये देखिए, पहले मैंने चारों फोल्ड मैंने एक साथ ले लिया है, लेकिन बैक को रख के पहले मैंने इसमें निशान लगा लिया है, क्योंकि बैक का नेक थोड़ा छोटा है, तो पहले हम ऐसे कट कर लेंगे। ये देखिए, नेक और आर्म होल दोनों कट कर लेंगे। देखिए, ये कट हो गया है। ये साइड में जो बंद था उसे हम कट कर लेंगे। हम दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर लेंगे, फ्रंट और बैक को। हमने बैक हटा लिया। अब ये फ्रंट का हम लाइनिंग रख लेंगे और जो नेक और आर्म होल है वो कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा था तो आर्म होल और बैक दोनों कट कर लेंगे। ये देखिए, ये कट हो गया है। अब हम घेरा कट करेंगे। पहले हम 4 इंच का वेस्ट पे निशान लगाएंगे। हम 4-4 इंच लेंगे, तो इसका हम मेजर करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेस्ट का मेजरमेंट आ जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा आएगा वो अपनी मार्जिन में चला जाएगा। अब हमने 15 इंच को माइनस करके लंबाई में से, और इसकी जो कुर्ती की पूरी लंबाई है 45 है, तो मैंने इसमें से 15 माइनस कर दिया है। तो मेरे पास था 30, तो मैंने 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा लिया, तो 32 में इसमें घेरे का निशान ले लिया। 32 हम सारे उसमें घेरे में निशान लगा लेंगे, फिर इसमें गोलाई आ जाएगी पूरी। ये देखिए, मैं नीचे से भी इसको निशान लगाती
और ये ऊपर से इसमें 32 रख के और पूरे इसमें गोला गोले में निशान लगा लूँगी। देखो इस टाइप से इधर से भी ले लेंगे हम सेंटर से। ये देखिए पूरे में निशान लग गया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। ये कट हो गया है। ये देखिए ये जो साइड में कॉर्नर में कपड़ा बच रहा है इसमें से हम स्लीव्स निकालेंगे। ये जो कपड़ा बचा हुआ था कॉर्नर में इसमें से हम स्लीव्स निकालेंगे। हमारी स्लीव्स भी चूड़ीदार स्लीव्स है तो ये काफ़ी लंबी रहती है। इसमें से पूरी लंबी स्लीव्स निकालेंगे। इसकी लंबाई है 42 या 43 है तो हम पूरी लंबाई निकालेंगे इसमें से। और मैंने स्लीव्स की कटिंग काफ़ी बार बताई है तो आपको पता होगा। तो हम यहाँ 7 इंच इसमें आर्म होल लेंगे और फिर इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे और 3 इंच डाउन करेंगे। ये देखिए 3 इंच डाउन करेंगे और उसको सेम टू सेम कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने सारे पार्ट्स कट कर लिए हैं और इनको पहले जैसे जॉइंट किया था वैसे ही जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए ये अपर पार्ट का मैंने नेक जॉइंट करके और प्रेस कर ली। ये देखिए ये अम्ब्रेला, ये फर्स्ट अम्ब्रेला, ये डबल अम्ब्रेला, तो ये हो गए 3 अम्ब्रेला, ट्रिपल अम्ब्रेला। ये घेरा मैंने कट कर लिया है इसका। ये देखिए मैंने इनको जॉइंट कर लिया है। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे, इसकी लाइनिंग को फोल्ड कर लेंगे दोनों साइड से। मैंने लाइनिंग फोल्ड कर ली है, देखिए लाइनिंग फोल्ड कर ली है। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे और शोल्डर जॉइंट करेंगे और स्लीव्स लगाएंगे। ये देखिए मैंने सारा कर लिया है और नीचे से मैंने इसमें पिको किया है पूरे में। ये देखिए ये तैयार हो चुका है, ये फाइनल लुक है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय।